फिरोज शाह कोटला एक फेमस क्रिकेट स्टेडियम के पीछे बसा एक वीरान किला है। वीरवार को तो यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन आम दिनों में ये किला बिल्कुल खाली रहता है। यहाँ आपको अगर कुछ दिखेगा तो वो है नमाज पढ़ते चंद लोग और उड़ते पंछी। किला क्यों वीरान है और खंडर में कैसे तब्दील हो गया, इस बारे में किसी को ठीक से कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस किले के बारे में जो कुछ भी सुना जाता है वह वाकई चौंका देने वाला है। ऐसा माना जाता है कि जिन यहाँ आकर लोगों की चिट्ठियां पढ़ते हैं। तो हम भी निकल पड़े इस किले का दीदार आपको करवाने के लिए। जब किले के अंदर जाते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है। किले के अंदर एक भी कोना ऐसा नहीं होगा जहां लोगों ने दुआओं की चिराग न जला रखे हों। एक खूबसूरत बगीचे से होते हुए मस्जिद तक का रास्ता जाता है। वैसे तो इस मस्जिद को जामी मस्जिद कहा जाता है, लेकिन लोग इसे जिन्नों वाली मस्जिद भी कहते हैं। खंडर होती जा रही इस मस्जिद और इसके आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत था। आसपास के लोगों ने बताया कि जो भी यहाँ नमाज पढ़ता है खुदा उसकी दुआ तुरंत कबूल करते हैं। मस्जिद के ठीक नीचे कई सारी मज़ारे हैं। इन मज़ारों में खूब अंधेरा है। कुछ मज़ारों पर तो इतने सारे चमगादड़ हैं जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि ये चमगादड़ किसी पर भी हमला नहीं करते। मज़ारों में लोगों ने दुआओं के चिराग जलाए हुए थे और साथ ही मन्नतों की चिट्ठियाँ भी रखी हुई थी। लोगों का मानना है कि यहाँ रहने वाले जिन उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर उनके सारे दुख दूर कर देते हैं। गुरुवार को यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आस्था का सैलाब उमड़ता है। चीखते चिल्लाते लोग प्रेतों का साया उतारने और खुदा से अपनी दुआ कबूल करने की अर्जी लगाते हैं। मस्जिद के ठीक सामने एक दरगाह है जिसे लोग लाट बाबा की दरगाह कहते हैं। लाट बाबा की दरगाह पर लोगों ने दुआओं के ताले लगा रखे थे। माना जाता है कि जिसकी दुआ कबूल हो जाती है वह यहाँ आकर फिर से ताला खोलता है। दरगाह के ऊपर जो लाट है वो दरअसल अशोक स्तंभ है। कहा जाता है कि इस स्तंभ को गले लगाते वक्त जिसके हाथ आपस में मिल जाते हैं तो समझो उसकी हर दुआ कबूल होगी। फिलहाल इस स्तंभ को एक बाउंड्री से कवर कर दिया गया है। स्तंभ के नीचे दो मंजिला दरगाह के हर एक कोने में दुआओं के चिराग जल रहे थे। दरगाह के पास ही एक और खंडर था जो किसी मीटिंग पॉइंट जैसा लग रहा था। लोगों का मानना है कि यहाँ जिन्नों की बैठक होती है। इस जगह पर लोग पंछियों के लिए दाना और बोटी डालते हैं, इसीलिए यहाँ पंछियों का डेरा है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद को अपनी छठी राजधानी बनाया और इस किले का निर्माण करवाया था। फिलहाल यह किला लोगों की आस्था का प्रतीक बन चुका है। किले में जिन होने का दावा कितना सच है और कितना झूठ यह तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जलाए जाने वाले चिरागों की वजह से किले की दीवारों को काफी नुकसान पहुँच रहा है। किले के आसपास का बहुत बड़ा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी खूबसूरती अभी भी बरकरार है। किले का इतिहास बेहद पुराना है। गुरुवार को यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ता है तो सप्ताह के बाकी दिनों में किला बिल्कुल खाली होता है और तब आप यहाँ फोटोग्राफी के लिए आ सकते हैं। दिल्ली में रह रहे हैं तो एक बार इस ऐतिहासिक धरोहर का दीदार करने जरूर आएं। इस प्लेस की रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ।